Welcome dear students, today we are going to read and discuss the question answers and exercises of symbols of our country. प्यारे बच्चों आपका स्वागत है. आज हम लोग symbols of our country के question answers और exercises को पढ़ेंगे और समझेंगे. Question number 1, what do the colors of Tiranga symbolize? तिरंगा जो कि हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसके रंग किनके प्रतीक हैं? आंसर, द कलर्स ऑफ तिरंगा सैफ्रन व्हाइट एंड ग्रीन सिंबलाइज करेज पीस एंड प्रॉस्पेरिटी. तिरंगा के रंग केसरिया सफेद और हरा क्रमशः साहस शांति और समृद्धि के प्रतीक हैं. क्वेश्चन नंबर 2, डज द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव एनी मैसेज? व्हाट इज इट? क्या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कोई संदेश देता है? और अगर हाँ तो वह क्या है? आंसर, यस, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गिव्स अस द मैसेज दैट यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. हाँ, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें यह संदेश देता है कि अगर हम मिलजुल कर रहते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में टिक सकते हैं, लेकिन अगर हम विभाजित हो जाते हैं तो हमारा फॉल यानी कि पतन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डू द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री गिव? हमारे देश के प्रतीक क्या संदेश देते हैं? आंसर, द सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री एंड देयर मैसेजेस आर. हमारे देश के कुछ प्रतीक और उनके संदेश इस प्रकार हैं, रॉयल बंगाल टाइगर, बी करेजियस स्ट्रॉन्ग एंड फ्री. हमें साहसी मजबूत और आज़ाद होना चाहिए. तिरंगा, करेज प्रॉस्पेरिटी एंड व्हील ऑफ ड्यूटी. हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें संदेश देता है कि हमें साहसी समृद्ध और अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना चाहिए. द ताजमहल लव. ताजमहल हमें प्रेम का संदेश देता है कि अपने प्रियजनों के जाने के बाद भी हमें उनकी याद रखनी चाहिए. द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हमें यह संदेश देता है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, नहीं तो विभाजित होने पर हमारा पतन हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 4, विच टू सेंट्स हैव एनलाइटेंड द वर्ल्ड? किन दो संतों ने पूरे विश्व को आलोकित किया है? आंसर, द टू सेंट्स महात्मा बुद्ध एंड महावीर हैव एनलाइटेंड द वर्ल्ड. महात्मा बुद्ध और महावीर, इन दो महान संतों ने पूरे विश्व को अपने ज्ञान के प्रकाश से आलोकित किया है. कमिंग टू द एक्सरसाइजेस, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम द पोएम. पोएम की ही पंक्तियां हैं, इन्हें पूरा करना है पोएम में से. आर तिरंगा, तो ये जो लाइन स्टार्ट हुआ है यह सेकेंड स्टांजा का है, तो इसे हम सेकेंड स्टांजा को एक बार देख लेंगे, उसी से पूरा करना है. आर तिरंगा दैट फ्लाइज हाई इन द स्काई हैव सैफ्रन वाइट एंड ग्रीन मैसेज करेज पीस एंड प्रोस्पैरिटी एंड अशोक चक्र एज व्हील ऑफ ड्यूटी. इसी तरह से जो नेक्स्ट वर्क है वो फोर्थ स्टांजा यानी कि चौथे स्टांजा से लिया गया है, जिसे पूरा करना है. द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, अब यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, चौथे स्टांजा में देखिए, द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ऑफ सरदार पटेल स्प्रेड्स द मैसेज टू वन एंड ऑल, यूनाइटेड वी एक्सटेंड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी रिड्यूस, डिवाइडेड वी फॉल. इस तरह से हमें फिल कर लेना है. नाउ वर्ड पावर, फाइंड वर्ड फ्रॉम द पोएम विच मीन द सेम. अब नीचे जो वर्ड्स दिए गए हैं उनका ही सेम वर्ड यानी कि सिनोनिम, सिनोनिम यानी वैसे शब्द जिनके एक ही अर्थ हों, यानी कि पावरफुल को शक्तिशाली कहते हैं और इसी को इंग्लिश में और क्या कह सकते हैं, यह आपको पोयम में से ढूंढना है और लिखना है.
तो चलिए बच्चों देखते हैं, पावरफुल का सेम वर्ड हमारे पोयम में आया है स्ट्रांग यानी कि शक्तिशाली। सेकंड है काम, काम यानी कि शांत। और इसका और एक इंग्लिश वर्ड होगा जो हमारे पोयम में है पीस, PEACE, पीस। नेक्स्ट ज्वाइंट, ज्वाइंट यानी कि जुड़ा हुआ। और इसके लिए जो वर्ड आया हमारे पोयम में वह है यूनाइटेड। नेक्स्ट स्प्लिट, स्प्लिट यानी कि टूटा हुआ, अलग अलग विभाजित। और इसके लिए जो शब्द हमारे पोयम में आया है वह है डिवाइडेड। नेक्स्ट वर्ड ड्रॉप, ड्रॉप के लिए जो वर्ड यूज हुआ है वह है फॉल यानी कि पतन, गिरना। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम यहाँ पर ये वर्ड्स फिल कर लेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सर्कल द वर्चुअस थिंग्स दैट मेक अ नेशन स्ट्रांग। राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले वर्चुअस यानी कि गुणों को गोला करिए। तो देखते हैं, नेग्लेक्ट यानी कि अनादर करना, सेक्रीफाइस त्याग करना, ब्रेव मैन बहादुर व्यक्ति, डिवीजन विभाजन, प्राइड गौरव, करेज साहस, यूनिटी एकता, पीस शांति। तो बच्चों इन वर्ड्स में से हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाने वाले वर्ड्स कौन कौन से हैं आप समझ ही गए होंगे। इसमें से हमें किन वर्ड्स को हटाना है और किन वर्ड्स में गोला लगाना है, सैक्रिफाइस, ब्रेव मैन, प्राइड, करेज, यूनिटी एंड पीस। दीज आर द वर्च्यूज दैट मेक अ नेशन स्ट्रांग। यही वो गुण हैं जो हमारे राष्ट्र को मजबूत बनाते हैं। ओके चिल्ड्रन, आई होप कि ये क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइजेस आपको समझ में आ गए होंगे। आप इन्हें कॉपी में नोट कर लेंगे और अगले लेसन्स के साथ हम फिर जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।